गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग गुड गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। सो मैंने शुरू कर दिया है चैनल पे फेस्टिव एंड वेडिंग सीरीज। लाइक अब फेस्टिवल आने वाली है, वेडिंग भी कुछ टाइम पे आने वाली है, लगन का टाइम हो गया है, लगन कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और ईद भी आने वाली है। तो फेस्टिवल के टाइम पे और वेडिंग के टाइम पे मैं बड़ा खुश रहती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सीरीज करने में। लास्ट ईयर कोविड की वजह से सीरीज कर नहीं पाई थी, तो इस बार ही कर रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने आपको दे दिया है मीशो से, ये पार्ट टू है। तो ये जो सीरीज है ये लंबा चलने वाला है। इसमें आपको फेस्टिवल प्लस वेडिंग दोनों तरह के हॉल्स वीडियो दिखाऊंगी। सो आज का हॉल है मीशो से, आपकी फेवरेट साइट से। और जितने भी कुर्ती सेट मैंने पिक करा है वो स्पेशली गर्मी को ध्यान पे रख के किया है, वो जो कॉटन मटेरियल हो गर्मियों के लिए परफेक्ट हो और देखने में भी बड़ा सुंदर लगे। ईद में भी आप पहन सको चाहो तो, और उसे वेडिंग में भी पहन सको तो, ऐसे कपड़े मैंने चूज करे हैं। तो जितने भी आइटम्स मैं आपको दिखाऊंगी सबका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो भी जैसे भी मैंने स्टाइल करा है, लाइक इयर रिंग्स, हील्स, जहाँ से भी है, लिंक ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लेना। एंड ये जो ब्लेजर मैंने पहनी है ये शीन से है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। ये इयर रिंग जो है ये सरोजनी से, अभी मैं गई थी तो मैंने इसे लिया था। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको मेरे हॉल्स वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करना गाइस, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, कमेंट करना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी, फीडबैक ज़रूर देना एंड लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। एंड नाउ विदाउट अ डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सराउंड कोई वॉइस सुनाई दे रही होगी क्योंकि अब घरों पे एसी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में। और मैं अब कुर्ती सामने से दिखा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा साउंड और आ रहा होगा। बट अगर ये एडिटिंग में ज़्यादा लगेगी तो मैं इसे कट करके वॉइस ओवर कर दूँगी। ओके गाइस, सो माय फर्स्ट कुर्ता इज़ वेरी ब्यूटिफुल बांधनी कुर्ता। एंड बांधनी में ये जरी का वर्क करा हुआ है, निकलाइन इसकी बहुत ब्यूटीफुल है, साइज मेरा लार्ज है, कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है, ऐसा है कि आप ही आप ग्रैब कर लो, ये इतना ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा प्राइजी है बट वर्थ है गाइस, पार्टीज के लिए एंड आने वाली ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बेस्ट पार्ट है कि इस पर कोई भी फॉल प्रिंट्स नहीं है, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत लंबी चलेगी। एंड कलर भी इसका नहीं जाएगा क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। एंड यहाँ पे कुर्ती पे आपको ये कुशन वाला डोरी लगा हुआ है, पहनने के बाद ऐसा लगता है जो स्कर्ट पे लगी हुई है, दोनों तरफ ही आपको मिलेगी। ओके गाइस, तो बैक में भी आपको पूरी बनी स्टाइल ही मिलेगी। इसका नेकलाइन बहुत पसंद आया, स्कर्ट फुल आपको कॉटन मटेरियल में मिल रही है, स्कर्ट की घेर बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको सेम बंधनी का लाइन बॉर्डर मिल रहा है जो पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने इसे स्टाइल करा है चोकर और इयररिंग्स के साथ, इस पर मैंने बैंगल्स डाले हैं क्योंकि मुझे पार्टीज में बैंगल पहनना बहुत पसंद है, फेस्टिव में बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है। साइज मेरा लार्ज है, बहुत ही अच्छी मटेरियल है, हाईली रिकमेंड करूँगी। ओके, सो माय नेक्स्ट कुर्ता इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल सेट। सो ग्रीन कलर की कुर्ती है ये, नेकलाइन बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है ये पूरी फॉयल प्रिंट्स है और गोटा पट्टी की डिटेलिंग की हुई है, प्लस मिरर पे ये जरी का तो वर्क करा हुआ है, जिगजैग है यहाँ पे नेकलाइन पे। और ये जो आपको दिख रहा है ये गोल्डन गोल्डन जो है ये प्रिंट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है पहनने पे। एंड प्रिंट्स भी है ना, ये फॉइल प्रिंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी वाली, ये कुर्ता बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत बटर काइंड ऑफ इसका मटेरियल है, कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल। और इस पर मेरा साइज मीडियम है, कुछ इस तरीके से आपको नीचे तक को सेम डिज़ाइन मिल रही है एंड बैक में भी आपको सेम डिज़ाइन मिल रही है। सो आई विल रिकमेंड दिस वन ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। और इस पर मैंने एक साइज़ अपने ही लिया क्योंकि इसमें आया साइज अवेलेबल नहीं थी, लार्ज मीडियम मिला तो मीडियम मैंने ले लिया। ये 1375 रुपीज़ की है, प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड इसके साथ जो उसका स्कर्ट आ रहा है वो जो नेकलाइन पे आपको जिगजैग मिल रही है ना, सेम जिगजैग की स्कर्ट आपको मिल रही है यहाँ पे, जिसपे दोनों तरफ प्लास्टिक है। और कलर कॉम्बिनेशन देखो गाइस ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जितना ये कैमरे में सुंदर लग रहा है रियल में भी इतना ही ब्यूटीफुल है। नीचे को आपको ये प्रिंट्स मिल रही है और पूरी जो है कुर्ती में ये स्कर्ट में जिगजैग डिजाइन बना हुआ है, घेर भी देख सकते हो, घेर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, काफी अच्छी घेर है, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है।
गाइस, सो माय नेक्स्ट आइटम है दिस कुर्ती एंड शरारा. सो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर की कुर्ती है जिसपे ऑल ओवर फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं, मैंडरिन कॉलर के साथ है. एंड फॉइल प्रिंट्स पे आपको यहाँ पे सिप का वर्क मिलेगा जो शाइन भी काफी कर रहा है, बट ये सिर्फ नेकलाइन पे है चेस्ट एरिया पे. उसके बाद पूरी प्लेन फॉइल प्रिंट्स है नीचे तक. स्लीव पे भी आपको फॉइल प्रिंट्स मिल रही है, बट यहाँ पे आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ मिल रही है. बैक भी पूरी सेम प्रिंट्स के साथ है. पहनने के बाद ये कुर्ती सेट बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. साइज स्लेट है, इसमें मेरा साइज मीडियम है और इसको मैंने स्टाइल करा है गोल्डन दुपट्टा के साथ और एक झुमकी के साथ. आप चाहो तो इसे सिंपल भी रख सकते हो, तो भी पार्टी में आप आराम से वेयर कर सकते हो. इसका लुक और थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने इस पर दुपट्टा डाल दिया और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है. उसके बाद इसके साथ ये शरारा आती है जिसपे दोनों तरफ आपको इलास्टिक मिलेगी. और बेस्ट पार्ट है शरारा की कि आप यहाँ पे देखो घेर, ये तो गोटा पट्टी डिटेलिंग आपको नीचे को मिल रही है, शरारा की घेर बहुत ज़्यादा है. सांगरिया की शरारा होती है ना, बिल्कुल वैसी है. साइज मीडियम है, इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. इसका प्राइस है 1053 एंड बजट में आपको पूरी सेट मिल जा रही है. सिर्फ एक दुपट्टा डालना है और लगेगा ओह माय गॉड कितना एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हुआ है. ओके, सो माय नेक्स्ट आइटम अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे ब्लेजर से मैच कर रही है. बाय द वे ये ब्लेजर शीन से है गाइस, काफ़ी प्यारी लग रही है. बट ये कुर्ती सेट मुझे फोटो में बहुत अच्छी लगी एंड ये मुझे मिली है काफ़ी एक्सपेंसिव 1700 रुपीज़ की. बट ये मिंत्रा पे 1400 रुपीज़ की, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मिंत्रा की लगा रही हूँ, यहाँ पे मीशो की लगा रही हूँ, खुद देख लो. सो कभी कभी ऐसा होता है कि मिंत्रा पे भी आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है. ब्रांड इशिन है और इशिन ब्रांड मिंत्रा पे अवेलेबल है. इसका जो नेकलाइन है वो बहुत सिंपल है. आपको यहाँ पे तो यहाँ पे राउंड राउंड है, इस पर आपको जरी का वर्क मिल रहा है. देन ये जो प्रिंट्स है वाइट वाली वो बिल्कुल प्लेन है. तो कहीं पे आपको सिंपल प्लेन वाली राउंड बनी हुई है, बॉबी डिज़ाइन जो बोलते हैं, और कहीं पे आपको वर्क वाली मिल रही है. तो ये थोड़ी सी बैलेंस हो जा रही है, उसकी वजह से थोड़ी ठीक लग रही है. एंड इसका स्लीव्स बेल स्लीव्स है. बैक में आपको पूरी प्लेन वाली मिल रही है, बैक पे आपको कोई भी जरी का वर्क वाला नहीं मिल रहा है. तो इसका फैब्रिक कॉटन है कुर्ती का. कॉटन की वजह से मैंने इसे बाय करा था, बट पिक में ये बहुत प्यारी लग रही थी. एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं लगी. अगर मिंत्रा पे मिंत्रा से मैं 1400 रुपीस में लेती तो भी मैं रिकमेंड नहीं करती. 1400 के लिए वर्थ नहीं है ये, मैंने तो 1700 पे करा है. सो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी. इसके साथ आ रही है शरारा, दोनों तो प्लास्टिक मिल रही है. कॉटन से बेटर शरारा की मटेरियल है. सो ये जो शरारा है नीचे को आपको सेम गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ सेम आपको बॉबी वाला डिज़ाइन मिलेगा. एंड इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थ्रू काफ़ी है गाइस. आप देख सकते हो कि डबल लेयर में भी ये बिल्कुल आर पार दिख रहा है, तो काफ़ी सी थ्रू है. हाँ, इसकी जो फ्लेयर है काफ़ी अच्छी लग रही है, बट उतना मुझे पसंद नहीं आया. डेस्ट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी. अगर ये 900 रुपये की होती तो फिर इसका वर्थ होता प्राइस का. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ही पसंद से मैंने ये सेट मंगाया था. इसका दुपट्टा भी मिल रही है. सो पहले मैं कुर्ती दिखा दूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है और जितना ये मीशो के पेज में ब्यूटीफुल लग रही थी, एक्चुअल में भी उतना ही ब्यूटीफुल ये है. इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है गाइस, 1700 रुपीज़. और यहाँ पे आप देखो कि पूरा वर्क करा हुआ है जरी का, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. नेकलाइन इसकी, स्लीव्स में भी आपको सेम वर्क मिल रहा है. बेस्ट पार्ट है कि ये शेडेड कुर्ती है, तो उसकी वजह से इसकी कलर जो है बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. कुर्ती के साइड में भी आपको सेम इतना ब्रॉड बॉर्डर मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. नीचे को आप देखोगे तो नीचे और ज़्यादा ब्रॉड है, साइड से ज़्यादा नीचे को यहाँ ब्रॉड है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल बना रही है. छोटा छोटा सा वर्क भी बीच बीच में करा हुआ है. बैक उसकी पूरी प्लेन है. ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे पसंद भी काफ़ी आया. पहनने पे भी बहुत एक नंबर लग रहा है गाइस. मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है, रेयन कॉटन मिक्स काइंड ऑफ कोई मटेरियल है जो बहुत ही कंफर्टेबल लगा मुझे. और इसके साथ आपको स्कर्ट मिल रही है, दोनों तरफ इलास्टिक है, पूरी प्लेन स्कर्ट है. और नीचे को गोटा पट्टी डिटेलिंग आपको कुछ पिंक कलर और गोल्डन सिल्वर कलर की मिल रही है. फ्लेयर काफ़ी अच्छी है. कुर्ती का मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, स्कर्ट का मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. और खाल जो दुपट्टा आ रही है वो बहुत ब्यूटीफुल है. आप देखोगे सेम बॉर्डर आपको चारों तरफ दुपट्टे पर मिल रही है, बट जिस वजह से मैं अपसेट हूँ, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, डिज़ाइन मटेरियल सब कुछ बहुत पसंद आया. और 1700 के हिसाब से बहुत अच्छी कुर्ती सेट आपको मिल रही थी अगर इसका दुपट्टा इतना छोटा नहीं होता. तो लाइक यहाँ से बस यहाँ है,
काफी छोटा दुपट्टा है गाइस, आप देख सकते हो वीडियो में, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। इसका दुपट्टा थोड़ा लॉन्ग होता है क्योंकि इतना ज्यादा पे करा है। मोस्टली क्या होता है ना, 600-700 की कुर्ती सेट में दुपट्टा छोटा आता है, तो चलो समझ में भी आता है कपड़े में कंजूसी करनी, बट इसके लिए मैंने 1700 में पे करा और दुपट्टा इतना छोटा है, तो उसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। यहाँ पे मैंने दुपट्टे को मैनेज किया है, स्टाइल करके दिखाया है। अगर बाई चांस कभी आप इमरजेंसी पे हो, आपको कल ही किसी पार्टी में जाना है, आपने सूट मंगा लिया, आपके पास पहनने को कुछ नहीं है और इसे आपको रखना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में बस एक आइडिया ले रही हूँ, तो इस टाइप की सिचुएशन में आप इस तरीके से दुपट्टा ड्रैप करो और मैनेज कर सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का हॉल आपको पसंद आया हो, और नेक्स्ट मिलते हैं और भी धमाकेदार वीडियो के साथ, सीरीज पार्ट 3 के साथ। और पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बगल के बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि अभी जो भी वीडियोस आएंगे बहुत मज़ेदार आने वाले हैं। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।